अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को, मेरे तमाम दोस्त खैरियत के होंगे। भाई मैं हूँ अम्माद, आप देख रहे हैं जे कैटल ग्रेस। तो आज का दिन है संडे, संडे क्योंकि दिन होता है मैच का। तो हम हो चुके हैं रेडी, ये देख सकते हैं आप लोग। तो हम रेडी हो चुके हैं मैच के लिए, और मैंने बोला आज भाई शुरू से ही लोगों को इंगेज करें मैच के लिए। तो किस तरह से हमें तैयारी व्यारी करनी है और ये वो निकलना है जाना, तो शुरू से ही जो है बताया जाए। जो लोग नए चैनल पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दें चैनल को, ए जे कैटल ग्रेस। कोई भी मुझसे बात पूछनी हो पकड़ो के हवाले से भी, वीडियोस मुझे वो काफ़ी बनानी है, टॉपिक्स हैं बहुत सारे, तो वो जो है वो बनाऊंगा मैं इंशाल्लाह आज या कल, और वो आप लोग तो लेके आऊँगा। सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, तो वही चलते हैं फिर मैच की तरफ, ग्राउंड की तरफ, क्योंकि सब लोग कर रहे हैं मेरा वेट। और फिर वहाँ जाके फिर कंटिन्यू करते हैं और करते हैं कि क्या भाई हम आज मैच में होने वाला है। सही है, चलें फिर चलते हैं मैच की तरफ। तो भाई सिलसिला ये है कि हम आ गए थे मैच खेलने और टीमें यहाँ इंतज़ार कर रही थी। तो क्या हुआ कि पहला मैच हमने खेल लिया और माशाल्लाह से जीत गया। अब ये चल रहा है सेमीफाइनल टूर्नामेंट का, और फिर देखते हैं भाई क्या है, हमारी बैटिंग चल रही है। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ मैच की सिचुएशन। और शॉट नईम शॉट बगैर देखे छक्का। तो ये सिलसिला चल रहा है, मैं ज़रा नीचे उतर, देख सकते हैं भाई। अब जुनेद है बैटिंग पे, इसके बाद मेरा नंबर आने वाला है। और ज़बरदस्त मुकाबला चल रहा है, 3 ओवर 53 रन हो गए भाई हमारे, 5 ओवर का गेम है, 2 ओवर बाकी हैं। सामने फर्री बॉलर वकात गंजा स्ट्राइक पे, और ये बॉल डॉट छक्के वाली बॉल मिस कर दी इन्होंने गंजे ने। और ये कैच, 5 ओवर में हमने टारगेट दिया 70 रन का, ज़्यादा इसको नहीं बन सका, हम सब आउट हो गए, विकेट गिर गई आखिरी ओवर में। तो 70 का टारगेट है, पहले ओवर में 13 रन हो चुके हैं, देखते हैं भाई क्या चल रहा है मैच में। 1 ओवर 13 रन, सेकंड ओवर स्टार्ट होने वाला है, 1 विकेट गिर चुकी है, देखते हैं क्या मैच बनता है। सेमीफाइनल है, सिचुएशन ये है कि 2 ओवर में रह गए हैं 37 रन, और जुनेद फील्ड पर है मेरे साथ, और बैट्समैन भी अच्छे सामने खड़े हुए हैं। देखते हैं क्या होता है भैया, देख सकते हैं आप लोग ये चल रहा है मैच, तो देखते हैं अब क्या होता है, इंशाल्लाह विन करेंगे। हमारे बॉलर ने ओवर कर दिया 20 रन का 17, और अब रह गए हैं 17 रन। अब देखते हैं आखिरी ओवर में काशिफ जो है वो 17 रन बचा सकता है कि नहीं। उस्मान गेंडा सामने खड़ा हुआ है, छक्के उसके बहुत लंबे होते हैं, क्या करें अब देख सकते हैं क्या होगा भाई। पहली बॉल करा दी है डॉट, रिस्क पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, कैच आएगा तो भागना पड़ेगा मोबाइल फेंक के। तो काशिफ जो है वो अब भागता हुआ जा रहा है, उस्मान गेंडा है सामने, और ये बॉल कराई काशिफ ने, और ये बहुत ही लंबा छक्का उस्मान गेंडे का। यही मैं बोल रहा हूँ, सामने उस्मान गेंडा है, कुछ भी कर सकता है भाई, ये सब परेशान खड़े हुए हैं। 13 रन रह गए 4 बॉलों पर, किसी तरह 2 बॉल डॉट करवा दे तो अच्छा हो जाएगा मैच। मैं भाई फील्डिंग करता हूँ, फिर बाद में भाई अपडेट करते हैं। रह गया काशिफ ने मैच फंसवा दिया है, उस्मान गेंडे ने 2 छक्के मार के कर दिया है, और बस 1 बॉल पे 1 रन रह गया, मैच हम हार गए, सेमीफाइनल हार रहे, हार गए, बल्कि अब 1 रन तो बचाना मुश्किल है। ये बन गया 1 रन, चलो भाई सेमीफाइनल हम हार गए चुके, सही है भाई, जुनेद भाई हमारे साथ है। तो सेमीफाइनल हम हार चुके, और अब टूर्नामेंट का दूसरा मैच स्टार्ट, पहला मैच स्टार्ट हो गया, टूर्नामेंट में भी हमारी टीम है। तो ये अदनान भाई हमारे, ये कप्तान हमारे जा रहे हैं अदनान भाई, ये अदनान भाई हमारे कैप्टन है, और माशाल्लाह इन्होंने बहुत अच्छी इनिंग खेली आज, पता नहीं क्या खेला, नहीं खेला तो ये है कि अब जो है वो चल किस्सा चल रहा है। अब कप्तान बना, सबसे ज़्यादा नुकसान मेरा तो क्या होगा, बैटिंग नीचे आगे करनी थी। हाँ ये दोबारा अदनान लगा, ये पॉइंट हम नोट करेंगे और उसको फाड़ देंगे। तो ये दोबारा मैं पूछा ताकि वो भी छोड़ दे। तो भाई ये है कि अब बिल्ले का मैच स्टार्ट हो रहा है, हम बिल्ले की साइड से खेल रहे हैं, और देखते हैं भाई अब क्या होता है, बैटिंग चलती है कि नहीं चलती। तो क्या हुआ भाई, क्या हुआ मैच में ज़रा तफसील? सेमीफाइनल की भाई, सुबह भी सेमीफाइनल हमारे, और ये वाला सेमीफाइनल भी हमारे, दाऊद भाई के छक्के, सुबह भी हम हारे
लेकिन दाऊद भी कुटे भी आज ये बता देना। अच्छा मैंने मारे 3 छक्के और हम हो गए लग रहा है पाकिस्तानी टीम सेमीफाइनल या फाइनल ही खेल सकती है और उससे आगे नहीं पहुंच पा रहे हम। ओवैस भट्टा भागते हुए सामने दाऊद पठान ओ शॉट बॉल हवा में तंती भी हुई बहुत दूर बाउंड्री के बाहर बहुत आला भाई वलीद गुड कैच। वलीद असल में देख दिखाएं वलीद है ही गिरा हुआ वलीद ये हाथ उठा रहा है गिरा हुआ बंदा। मगरिब का वक्त होने वाला है मेरे ख्याल से कैमरा बंद कर देना चाहिए। खालिद भाई की चाल मोड़ने की चाल खालिद है माशाल्लाह भाई एवरग्रीन बंदे अच्छी बैटिंग अच्छी बॉलिंग लास्ट बॉल है मेरे ख्याल से आखिरी ओवर की। ओह खालिद भाई ने मिस कर दी बॉल भाई यही हुआ है ये फाइनल चल रहा है और हम सेमीफाइनल में हार चुके हैं। चलो भाई ओवर हो गया और टारगेट अच्छा खासा दे दिया इन्होंने 3 ओवर में तो ये दाऊद भाई गुड बैट्समैन फाइनल मेरे ख्याल से जीत गए खालिद भाई मारे मुश्किल है चॉइस कर दी तो आज हारी हुई टीम ही है हमारी ये बैठी हुई। तो आज के लिए भाई इतना ही और पूरे दिन का जो है समअप कर दिया आज ये दोनों सेमीफाइनल हमारे बेवकूफों की तरह और हमेशा की तरह बॉलर्स की वजह से हारे। तो फिर नेक्स्ट संडे फिर मुलाकात होगी दोबारा से तब तक के लिए देखते रहिए एजे कैटल ग्रेस।